हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको पता है कोरोना में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? झूठ बोलना। अगर आपको बुखार है, आप खुद को अनवेल आप हैं, बीमार महसूस कर रहे हैं, तो घर पर ही रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि अगर आपको कोरोना हुआ तो फिर आपकी वजह से संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। देश में ऐसे केस भी हैं जहां पर कोरोना के मरीज छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर पुलिस उन्हें खोज रही है। हमारे पास ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां पुलिस कोरोना संक्रमित को पकड़कर जबरदस्ती अस्पताल ले जा रही है। इन्हीं सबके बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती का आदेश जारी हो गया है। अब अगली रिपोर्ट जो आप देखेंगे, अफवाह फैलाने वालों को वार्निंग है और कोरोना को लेकर आपको जागरूक करने की एक कोशिश है। आईपीएस अधिकारी एचजीएस धालीवाल ने ये वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी एक बीमार व्यक्ति को उठाकर ले जा रहे हैं। इस ट्वीट में धालीवाल ने लिखा है कि कोरोना के मामलों को छुपाना आपके खुद के परिवार के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है। कोरोना से निपटने में भारत को इस वक्त इसी बात का सामना करना पड़ रहा है। लोग ये बताने से डर रहे हैं कि वो बीमार है, और अगर भारत का हाल इटली या चीन जैसा हुआ तो उसके पीछे ये सबसे बड़ी वजह होगी। ये वीडियो पुणे का है। इस वीडियो में आपको हॉस्पिटल के कपड़ों में एक शख्स दिख रहा है, पुलिस उसे घेरे हुए है। थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस आती है जिसमें उस शख्स को बिठाया जा रहा है। ये कोरोना पॉजिटिव मरीज है जो पुणे के एक अस्पताल में भर्ती था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही वो अस्पताल से भाग गया। जब रिपोर्ट में वो पॉजिटिव मिला तो फिर पुलिस ने उसकी खोजबीन तेज की। वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर घूम रहा था। पुलिस ने तुरंत उसे घेर लिया, वहां एम्बुलेंस मंगाई गई और उसे खास तरह की ड्रेस पहनने को दी गई और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। केरल से बिहार के बेतिया के रहने वाले तीन लोग भी भागकर अपने घर चले गए थे। वो कोरोना के संदिग्ध थे। जब उनके बारे में पता चला तो प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। भारत सरकार के इन्हीं प्रयासों की वजह से अभी तक कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमें सफलता भी मिली है। जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये बात आपको एक ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं। 17 फरवरी तक इटली में कोरोना के सिर्फ 3 केस थे, 16 मार्च तक 24,747 हो गए। इसी तरह ईरान में 17 फरवरी तक कोरोना का एक भी केस नहीं था, लेकिन आज वहां करीब 14,000 मामले हो गए हैं। स्पेन में 17 फरवरी तक सिर्फ 2 मामले थे, लेकिन 16 मार्च तक वहां करीब 8,000 केस हो गए हैं। फ्रांस में 17 फरवरी तक सिर्फ 12 मामले थे, लेकिन आज 5,423 मामले हैं। अमेरिका में 17 फरवरी तक सिर्फ 15 मामले थे, लेकिन आज अमेरिका में 3,782 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जबकि भारत में 17 फरवरी तक कोरोना के 3 मरीज थे और 16 मार्च तक भारत में कोरोना के 114 केस हैं। यानी कोरोना के खिलाफ भारत सरकार के प्रयास नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार को उन अफवाहों से भी निपटना होगा जिसकी वजह से चिकन बेचने वालों का कारोबार ठप पड़ गया है। ये बिहार के जहानाबाद की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना वायरस का खौफ इस कदर है कि एक मुर्गा दुकानदार ने फ्री में ही मुर्गे लुटाने शुरू कर दिए। अरे ले जिसके बाद मुर्गों को लूटने वालों में होड़ मच गई और बड़ी संख्या में लोग दुकान के पास पहुंचकर मुर्गे लूटने लगे। जैसे ही छत के ऊपर से मुर्गा फेंका जाता, लोग उसे पकड़ने के लिए टूट पड़ते। कोरोना वायरस की अफवाह की वजह से 5,000 के करीब मुर्गे फ्री में बांट दिए गए। कितना मुर्गा आपने बांटा?
5,000। किस कारण से मुर्गा को? कोरोना वायरस के अफवाह के चलते मेरा मुर्गा नहीं बिक रहा था भैया, 4 रुपए किलो में। तो सब मुर्गा बांट दिया? टोटल मुर्गा बांट दिया भैया। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।